प्रियदर्शकाः विनम्राभिवादनम्। मेघमण्डिते अस्मिन् वर्षर्तौ ज्ञानजलपूरितां वार्तावलीम् आदाय पुनरेकवारम् उपस्थिताः वयम्। अहमस्मि ज्योतिः। अहं चास्मि ऋचा। वर्षर्तु रेष नाना रोगाणां कृते आविर्भावभूमिः। सत्यमिदम्। अहमपि अधुनैव ज्वरत्रासात् स्वस्थतां गता। अत एव ज्योतिः, रोगाणाम् अपवारणाय प्रागेव उपायाः योजनीयाः, यथा च उच्यते। चिन्तनीया हि विपदा आदावेव प्रतिक्रिया, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। विपत्तियों के बारे में पहले से ही उपायों पर विचार कर लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद उसे बुझाने के लिए कुआं खोदना उचित नहीं। It is always better to prepare for troubles before they knock on your door, as it is never wise to start digging a well only when your house catches fire. सुभाषित गतम वचः इदम् वस्तुतः जीवने अस्मिन् अस्माकं लक्ष्य प्राप्तये सहायकम्। सत्यम्। एवं विधानि चैव कार्याणि वार्ता पदत्वम् अपद्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गोरखपुरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिलाम् उपन्यस्तवान्। इतः प्राक् तेन गोरखनाथ मन्दिरे साधु शिरोमणिभूतस्य अवैद्यनाथस्य प्रतिमा अनावृता। भारतीय वायुसेनायाः AN-32 प्रकारकं भारवाही विमानमेकं तिरोहितम्। विमानेऽस्मिन् 6 चालकसहिताः 39 जनाः आरूढाः, विमानं च इतदन्वीक्षते। मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण लोकसभा संसूचिता यत् संस्कृत शिक्षणे परिष्कार ज्ञापनाय नियुक्त समित्या स्वीय संस्तुतयः समर्पिताः। एन् गोपालस्वामिनः अध्यक्षे अनया समित्या देशस्य समस्त राज्येषु प्रवर्तमान संस्कृत पाठ्यपुस्तकानां समीक्षायै परामृष्टम्। सकल कक्षासु अध्ययनरत छात्रेभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जालीय सौविध्ये संस्कृत शिक्षणम् उपपादयितुमपि समित्या अभिसंस्तुतम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन स्वतन्त्रतायाः 70 वर्षपूर्तिमुद्दिश्य आगस्ट् मासे 15 द्वाविंशं दिनं यावत् अखिलेऽपि राष्ट्रे ध्वजयात्रा विधास्यते। बिहारस्य औरंगाबाद जनपदे नक्सलवादिभिर्विहित विस्फोटे केन्द्रीय आरक्षितारक्षिबलस्य 10 आरक्षिणो हताः। विस्फोटात् परं सुरक्षाबलसम्पादिताभियाने 4 नक्सलवादिनोऽपि मृत्युं गताः। जर्मनी देशे म्यूनिक नगरे दुरापन्ने गोलिका प्रहार कांडे 9 जनाः मृताः, कतिपय अन्ये च आहताः। आरक्षि सूत्रानुसारं आक्रामकेन आत्मघातोऽपि कृतः, न कश्चिदपि भारतीयः तत्र व्रणितः सूच्यते। लोकानां आस्थापर्वरूपं श्रावणी मेलनं झारखण्डे देवघर जनपदे समारब्धम्। आराष्ट्रं द्वादशसु ज्योतिर्लिङ्गेषु एकतमे देवघर जनपदीये अस्मिन् ज्योतिर्लिङ्गे प्रतिदिनं लक्षशोऽपि श्रद्धालवः शिवलिङ्ग जलाभिषेकाय महतोत्साहेन समायान्ति। निखिलेऽपि देशे गुरुपूर्णिमा पर्व सश्रद्धं समायोजितम्। आषाढमासीय पूर्णिमायां महर्षि वेदव्यासस्य जन्मोत्सवः गुरुपूर्णिमा नाम्ना प्रकीर्त्यते। केरले कालिकट विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन जुलाई मासे 19-20 दिवसयोः केरलस्य कूडियट्टम् इति पारम्परिक नृत्यविधां संस्कृतरङ्गभूमिं चाधिकृत्य एका सङ्गोष्ठी आयोजिता। प्रसङ्गेऽस्मिन् तोरणयुद्धम् इत्याख्या कूडियट्टं प्रस्तुतिरपि तत्र समपद्यत। ऋचे, दूरदर्शने प्रसार्यमाणाः संस्कृतवार्ताः सकलेभ्यः एव संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतसम्बद्धान् नानाविधवैश्विकघटनाक्रमान् ज्ञापयन्ति। अपि जानासि संस्कृतजगतो विविधवृत्तानाम् अवगमाय कानि सन्ति इतरमाध्यमानि? कोऽयं प्रश्नः। आकाशवाणी अस्ति, पत्रपत्रिकाः सन्ति, दैनिकवार्तापत्राणि अपि विद्यन्ते। शोभनम्। परं किमस्ति इदानीं यावत् संस्कृतस्य प्रचलितं पुरातनं वार्तापत्रम्? सरलम् उत्तरं। दर्शकाः, इदं तु सुधर्मा नाम वार्तापत्रं, परं साम्प्रतं तु मन्ये अस्य अलम् अलम् अलम्। दर्शकाः,
भवन्तः एव अवलोकयन्तु सुधर्मा स्थितिं संस्कृतोत्थानाय च गाम्भीर्येण विचारयन्तु। विविध सूचना प्रसारण तन्त्राच्छन्न युगेस्मिन् समाचार पत्राणामपि विशिष्टा भूमिका सामाजिक क्रियाकलापेषु भवत्येव। तत्रापि यदि वयं संस्कृतस्य दैनिक समाचार पत्रस्य चर्चां कुर्मश्चेत् कर्णाटक राज्यस्य सांस्कृतिक राजधानी मैसूरुनगरतः प्रकाश्यमानं सुधर्मा इति नामधेयं पत्रं विगत 46 वर्षेभ्यः अनवरतं भारतीयं वैश्विकञ्च संस्कृतानुरागी समाजं संसेव्यते। 1729 जुलाई मासे संस्कृतस्य उद्भट मनीषिणा पंडित वरदराजायंगार्यवर्येण विहिताश्रांत परिश्रमेण दूरदर्शितया च पत्रमिदं समाजे प्रादुर्भूतम्। तत्र संस्कृत पत्रिकायां आसक्तिः नास्ति इति न। बहवः जनाः अद्यापि अस्याः पत्रिकायाः पठने आसक्तिं दर्शयन्ति। केषाञ्चित् विदुषां सामान्यजनानाञ्च अस्यां पत्रिकायाम् आसक्तिः अस्ति। किन्त्वद्य वित्ताभावकारणेन अस्य पत्रस्य प्रकाशनमुद्रणप्रेषणेषु महत् सङ्कटमापतितम्। अस्मिन् देशे बहवः संस्कृताभिमानिनः सन्ति, संस्कृतविद्यार्थिनः सन्ति, संस्कृत अध्यापकाः सन्ति। यदि ते सर्वेपि ग्राहकत्वं स्वीकुर्युः तदानीं पत्रिकायाः संख्या वर्धते। सुधर्मा पत्रस्य वर्तमानसंपादकः श्रीमान् सम्पत्कुमारवर्यः देश विदेशेषु संस्कृतानुरागिणः अध्यर्थयति यत् ऐ अपील दट् ऐ एम फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स डे टू डे पेपर कॉस्ट इज हाइक and labor charges hike and everything is hiking. I don't have any machine. I need in a small machine. I am running this paper. I wanted to improve the quality. Everything I have to improve. ऐषमः वर्षे संस्कृत पत्रकारितायाः सार्धिक शताब्दी परिपूर्यते। यदि अस्मिन् अवसरे समेपि संस्कृतानुरागिणः सुधर्मा पत्राय यथा संभव मार्थिक साहाय्यं करिष्यन्ति चेत् अयं विषयः महते हर्षोल्लासाय भविष्यति। मैसूरुनगरतः आयशा खानं प्रेषितवृत्तेन सह अहं सुनील जोशी। ज्योतिः अद्य प्रभृत्येव संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च शपेहम्। शोभनम्। अस्मदीये वाङ्मय निधौ अपि अयमेव बोधः वर्तते, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। नूनम् एनामेव उक्तिम् आत्मसात्कृत्य अचिरमेव भारतीय प्राशासनिक सेवा परीक्षायां उत्तमं यशः अधिगतं केनचित् संस्कृताध्येत्रा शशांक त्रिपाठिना। जानामि, अस्यां परीक्षायां पञ्चमस्थानापन्नेन अमुना एव सह विधीयते अद्य त्रिज्यान्तर्गत संवादः, अवलोकयामः। सङ्घलोकसेवायोगस्य विस्तृतपरीक्षायां संस्कृतविषयं समादाय साम्प्रतं यावत् सर्वोच्चस्थानार्जितवतः भवतः शशाङ्कत्रिपाठिवर्यस्य भूयो भूयः अभिनन्दनं वार्तावलीपक्षतः। धन्यवादः नरेन्द्र। सर्वप्रथमः प्रश्नस्तावत् मम अयं वर्तते यत् सङ्घलोकसेवायोगस्य परीक्षायै भवता कथं संस्कृतम् एव चितम्? मैंने ग्रेजुएशन जो किया था IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ था, और UPSC एज सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता है केमिकल इंजीनियरिंग को, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स ट्राई करूँगा। तो पहला अटैम्प्ट देने से पहले ही मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये सब थोड़े थोड़े पढ़ के देखे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर अदर पीपल जो पहले से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इन सब्जेक्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसी दिन मैंने सिलेबस उनका खोल के देखा, पाठ्यक्रम खोल के देखा, और मुझे लगा कि मैनेज हो जाएगा। और जहाँ तक उपाधेयता की बात है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हो अगर आपका संस्कृत पे कमांड है। प्रतिष्ठापूर्णां परीक्षां समुत्तीर्य संस्कृत संवर्धनाय प्रवर्तिष्यते भवता इति मन्ये सुविचारितं स्यात् भवता पूर्वतः एव। तर्हि शिक्षायाः सर्वस्तरेषु
का ही योजना परिपालनीय? संस्कृत का मुझे लगता है कि सिर्फ साइलोज में काम करने से बात नहीं बनेगी। अगर हम किसी लेवल ऑफ एजुकेशन पे इसको हम इंट्रोड्यूस कर दें, मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या प्राइमरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, उसकी यूटिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इन सब चीज़ों से उसको रिलेट करना पड़ेगा। आपको स्कोप देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ संस्कृत का यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना, और साइमल्टेनियसली प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इसको अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। जनानां तत्र वर्तते एकः तथाविधः अपि समूहः येन उच्यते यत् संस्कृतं ज्ञानभाषा न परमत्र भाषा प्रबलतरा। तर्हि एतादृशविचारक्रमे भवतः किम् अभिमतं वर्तते? वास्तविकता ये है कि मैं दोनों ही पक्षों से अवगत रहा हूँ इस बारे में, और इस अवधारणा पे मेरा ये कहना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ज्ञान राशि बहुत ज़्यादा है, इसको हम नकार नहीं सकते। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इतने सारे विद्वान लोगों ने, चरक, सुश्रुत, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र के बारे में बुक्स लिखी हैं। तो साथ ही साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उस संस्कृत भाषा को पढ़ कौन रहा है। तो अगर लोग इस भाषा को पढ़ना बंद कर देंगे, अगर अच्छे स्टूडेंट इस क्षेत्र में जाना बंद कर देंगे, तो उस ज्ञान राशि को निकालने के लिए बचेगा कौन? वस्तुतः संस्कृतं सूक्ति समुच्चय रूपमपि इति सुप्रसिद्धं, परं विपरीत परिस्थित्याम् अपि भवादृश जनान् प्रेरयितुं क्षमाः काहिताः सूक्तयः याः भवता स्मर्यन्ते इदानीमपि। एक सूक्ति है संस्कृत की, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो ये एक बहुत ही उपयुक्त सूक्ति है, मुझे लगता है जो भी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी परिश्रम के से काम करना चाहते हैं, कि आपको उद्यम करना चाहिए, सिर्फ मनोरथ करने से आपका काम पूरा नहीं होगा। इसके अलावा एक और सूक्ति है, स्वयमेव मृगेंद्रता। ये सूक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक्चुअली मेरे स्कूल जो था उसमें स्वयमेव मृगेंद्रता उसका ध्येय वाक्य था, तो इस वजह से मेरा एक्सपोजर था इस सूक्ति से, कि जो वन में सिंह होता है, शेर होता है, तो उसका कोई अभिषेक या संस्कार नहीं किया जाता है, कोई इसको राजा की तरह मुकुट नहीं पहनाया जाता है, परंतु जो अपने विक्रम से, अपने प्रताप से जो वो राज्य जीतता है, वो उसका खुद ही राजा होता है, उसको कोई बनाता नहीं राजा। तो परिश्रम करने के लिए, पराक्रम करने के लिए मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी शक्ति है। प्रस्तावितायां नव शिक्षा नीत्याम संस्कृत स्थानम विशेषतः IIT इत्यादि शिक्षण संस्थानेषु वर्तते संस्कृतस्य प्रस्तावितम् अध्ययन अध्यापनादिकमपि, तत्र एतत् सर्वं तत्र विचिन्त्य किम् अभिमतं भवतः, यतिदं कथं स्यात् सर्वं? नई शिक्षा नीति में जो संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। IIT कानपुर में हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो संस्कृत में रुचि रखते थे, और वो अपनी रुचि दिखाते हैं। बहुत सारे दक्षिण भारतीय मित्र हैं मेरे, तो इन लोगों की रुचि को हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासा है, जो इन्क्विजिटिवनेस है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि जब आप इतने अच्छे संस्थान में इस चीज़ को चलाओगे, तो अनलिमिटेड स्कोप है, आप वहाँ पे रिसर्च शुरू कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। और इन एनी केस हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते थे, मैंने सोशियोलॉजी के तीन कोर्सेज किए हुए हैं, लॉजिक के कोर्सेज किए हुए हैं, तो उन्हीं में अगर किसी को संस्कृत में इंटरेस्ट है तो संस्कृत भी होना चाहिए। अन्त्ये च भवान् कृपया स्वसन्देश पुरस्सरं विज्ञापयतु तान् ये हि संस्कृत विषय सम्बद्धाः परीक्षार्थिनः वर्तन्ते पुनश्च साधारणाः छात्राः अपि वर्तन्ते। हीन भावना के शिकार कदापि न बने। संस्कृत कहीं भी किसी भी भाषा से कमतर नहीं है, कई भाषाओं की जननी है, तो आप उसको प्राउड के साथ पढ़ें, गर्व के साथ पढ़ें। जैसे अगर आप खादी का रिवॉल्यूशन देखें, खादी ऑलमोस्ट बाहर जा चुका था फैशन से, बट उसको समहाउ एक नई पैकेजिंग के साथ उसको नया तरह से उसको रखा गया समाज के सामने, तो वो फैशन बन गया। तो हमें संस्कृत को फैशन में लाने की ज़रूरत है, हमें उसको अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है, हमें उसको रीपैकेजिंग करने की ज़रूरत है। महोदय, भवदीय साक्षात्कारोपक्रमः अयम्
वस्तुतः उत्साहवर्धकः प्रेरकश्च भूयो भूयः धन्यवादः धन्यवाद ज्योतिः घटीयन्त्रं मे अवरुद्धम् अस्ति कथम् अवगम्यः समयः का च अस्ति कालगणना अस्य प्रश्नस्य उत्तरं तु अद्य शिक्षणक्रमे एव अवगम्यते तदर्थं च आरभ्यते इदानीं प्रतीपगणना पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे एकम् नमस्कारः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् आदौ पुनरावृत्तिः एतत् कन्दुकम् अस्ति एतत् किम् अस्ति कन्दुकं मम अस्ति कन्दुकं कस्य अस्ति कन्दुकं भवतः अस्ति भो दर्शका भवन्तः अपि वदन्तु कन्दुकं कस्य अस्ति समीचीनम् एतत् चित्रम् एतत् चित्रं कस्य अस्ति एतत् चित्रं विवेकानन्दस्य अस्ति चित्रं गान्धिमहोदयस्य नास्ति नास्ति चित्रं विवेकानन्दस्य अस्ति उत्तिष्ठतु एषः जितेन्द्रसिंहः एषः मृत्युञ्जयो वा नास्ति एषा जितेन्द्रसिंहः एषा जितेन्द्रसिंहः अस्ति उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु आगच्छतु एषा कणिका वा नास्ति एषा कणिका नास्ति एषा पवनः अस्ति आम् एषा पवनः अस्ति गच्छतु अधुना संख्या एकम् एवं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश भो दर्शका भवन्तः अपि संख्या वदन्तु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अधुना गणना कन्दुकानां गणना एकं कन्दुकं द्वे कन्दुके त्रीणि कन्दुकानि चत्वारि कन्दुकानि पञ्च कन्दुकानि षट् कन्दुकानि सप्त कन्दुकानि अष्ट कन्दुकानि नव कन्दुकानि दश कन्दुकानि बहु सम्यक् बहु समीचीनम् अधुना समयस्य ज्ञानम् एषा घटिका अस्ति एषा किमस्ति एषा घटिका अस्ति घटिकायां द्वादश संख्या भवन्ति घटिकायां कति संख्या भवन्ति घटिकायां द्वादश संख्या भवति दश एकादश द्वादश दश दश एकादश द्वादश अधुना अस्यां घटिकायां दश वादनं कति वादनं दश वादनं दश अधिकं पञ्चदशवादनं सपाद दशवादनं कति वादनं सपाद दशवादनं सार्ध दशवादनं कति वादनं सार्ध दशवादनं कति वादनं द्वादशवादनं बहु सम्यक् बहु सम्यक् सार्ध द्विवादनं कति वादनं सार्ध द्विवादनं यदा पञ्चदश न्यूना भवन्ति तदा पादोन पादोन त्रिवादनं कति वादनं पादोन त्रिवादनं बहु समीचीनं कति वादनं सार्धवादनं बहु सम्यक् कति वादनं सार्धसप्तवादनं बहु दर्शका वार्तावली शनिवासरे सार्धसप्तवादने आगच्छति कति वादने आगच्छति सार्धसप्तवादने आगच्छति बहु समीचीनं अधुना कति वादनं बहु सम्यक् कति वादनं सार्धद्वादशवादनं रविवासरे वार्तावली सार्धद्वादशवादने आगच्छति भो दर्शका भवन्तः अपि पश्यन्तु सार्धद्वादशवादनं रविवासरे
अधुना सपाद एकवादनम् कति वादनम् पादोन चतुर्वादनम् सार्ध त्रिवादनम् अर्थात साढ़े तीन बजे सपाद त्रिवादनम् अर्थात सवा तीन बजे पादोन त्रिवादनम् अर्थात पौने तीन बजे इति सम्यक् समयस्य ज्ञानं जातम् अधुना एका कविता एकं बीजं द्वे मूले च एकं बीजं द्वे मूले च त्रीणि पल्लवानि त्रीणि पल्लवानि चत्वारि पुष्पाणि तत्र चत्वारि पुष्पाणि तत्र पञ्च फलानि फलानि पञ्च फलानि फलानि षट्पर्णानि सप्तकुड्मला षट्पर्णानि सप्तकुड्मला अष्टौ कलिका कलिका अष्टौ कलिका कलिका नवशाखा प्रशाखा तत्र नवशाखा प्रशाखा तत्र पूजन्ति दश चटकः पूजन्ति दश चटकः पूजन्ति दश चटकः पूजन्ति दश चटकः बहु सम्यक् समीचीनम् एषा कक्षा सम्पन्नः आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः तावत् पर्यन्तं नमस्कारः दर्शकाः भवन्तस्तु संख्यानां पुनरावृत्तिं कुर्वन्तु वयं चापि प्रत्यागच्छामः केवलं द्वे एव पले अब रोज दोपहर आपके लोकप्रिय कार्यक्रमों का नया गुलदस्ता सिनेमा इस हफ्ते रंग तरंग तेजस्विनी डीडी न्यूज केवल खबर पूरी खबर ज्योति गीतस्मर स्पर्धा गीतम अहो स्मरामि अहम अद्य तावत् दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन इति अस्य गीतस्य स्पर्धा निर्णयो घोषणीयः विजेता चास्ति झारखण्डस्य नेतरहाटस्थलीयः विन्ध्याचल पाण्डेयः दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन स्पर्धापनानि सन्तु महोदय मृगयाम्यहं मुहुर्मुहुः अवकाशम् अवकाशम् अहर्निशम् तिष्ठेयम् खलु प्रसखि मनसा अनुस्मरन् हृदयाम्यहम् ओ हृदयाम्यहम् अवकाशम् अहर्निशम् हृदयाम्यहम् किञ्चित्
शैत्यम अनुभवामि। मन्ये गगनम सजल मेघैः आच्छन्नम अस्ति। मेघाच्छन्नम्? शृणु, गीतमेकं स्मरामि। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। दर्शकाः, इदमेव अस्ति अस्मदीयम् अभिनवं स्पर्धागीतम्। चलचित्रगतं गीतमिदं गीतानुकूलमौलिकशब्दैरनूद्य भवद्भिः आगस्ट् मासस्य प्रथमदिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। निर्णयश्च ततोऽनन्तरं षष्ठे दिनाङ्के घोषयिष्यते। साम्प्रतं च उपस्थितः अस्ति भवद्भ्यः अधिगतपत्राणां चर्चाक्रमः। वार्तावल्याः नियमितदर्शकः जगदीश ढाबी वदति यत् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वे प्रभागाः नितरां सम्यक् रूपेण प्रसार्यन्ते। मदीयनिवेदनमिदं यत् कवि पुस्तक नाटक बालसाहित्यानुगुणमपि नूतनप्रभागाणाम् आरम्भो विधातव्यः। ए गजाननेन उदीरितं यत् वार्तावल्याः प्रवाचक प्रोक्ताः सङ्गीतमयसंवादाः प्रशंसता संस्कृतभाषामाधुर्यं समुल्लेखितम्। सः एव तेन निवेदितं यत् अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात्कारे प्रश्नाः न्यूनातिन्यूनं संस्कृतेन एव स्युः। वार्तावल्याः अर्धहोरात्मकः कालः सम्प्रति अवसानमेति। कालसम्बन्धि सङ्ख्यानां गणनेन नुदन्तु नन्दन्तु। मुदिताश्च भवन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे पुनर्मिलामः। तावत् अवधये नमो नमः। तारकान् गणयानि तु सदिरे